हेलो नमस्ते प्रणाम सलाम वेलकम टू नॉलेज मिरर। बिहार के पूर्णिया और बिहटा में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के जोर पकड़ने के बाद गोपालगंज जिले के एकमात्र सबिया एयरपोर्ट को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। सबिया हवाई अड्डे की जमीन की घेराबंदी का काम लगभग पूरा हो गया है, जिसको लेकर इलाके के लोगों में एयरपोर्ट बनने की उम्मीद जग गई है। अब एयरपोर्ट की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। अधिकारियों के दौरे के बाद अब लोग उड़ान शुरू होने की संभावना जता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जहां केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है, वहीं गोपालगंज में सांसद आलोक कुमार सुमन की दूसरी बार जीत के बाद अब अधिकारियों ने सभी एयरपोर्ट का दौरा शुरू कर दिया है। डीएम मोहम्मद मकसूद आलम और अन्य अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सबिया एयरपोर्ट की जमीन से हवाई जहाज भी उड़ना शुरू हो जाएगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 27 जनवरी 2024 को सबिया एयरपोर्ट की घेराबंदी के लिए शिलान्यास किया था। इसके बाद घेराबंदी के काम को शुरू कर दिया गया था। सबिया एयरपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना में शामिल किया गया था। इसको लेकर सांसद के काफी प्रयास के बाद केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय से एयरपोर्ट को उड़ान योजना के लिए अधिग्रहित किया है। इस पर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने निजी मत से एयरपोर्ट के 280 एकड़ जमीन को भू रक्षा के उद्देश्य से घेराबंदी करने के लिए 30 लाख रुपए दिए हैं। सांसद द्वारा आवंटित की गई राशि से एयरपोर्ट की मुसहर टोली से उत्तरी इलाके में खाली पड़े भूभाग की घेराबंदी कराई गई है। वहीं एयरपोर्ट की जमीन की घेराबंदी के साथ साथ अब अतिक्रमण को भी खाली करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर अब नोटिस दिया जा रहा है। प्रशासन अब तेजी से एयरपोर्ट के अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि गोपालगंज के सबिया एयरपोर्ट पर कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी जहाज से उतर चुके हैं। जिस समय गोपालगंज लोकसभा के सांसद नगीना राय हुआ करते थे, उसी समय नगीना राय के चुनाव प्रचार में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए हुए थे। उनसे पूर्व उनकी मां और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हवाई जहाज से उतरकर इस एयरपोर्ट के मैदान में अपनी चुनावी सभा कर चुकी हैं। अब डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के सांसद होने के बाद इस एयरपोर्ट की दशा और दिशा सुधर रही है। जिले वासियों को उम्मीद है कि बहुत जल्द सबिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज का उड़ान शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।